नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज। मैं विजय खौसे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत तर्फे उपस्थित सर्व पत्रकार बंधूंचं मनापासून स्वागत। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हा आमच्या राष्ट्र संयुक्त मोर्चा परिवाराचा एक भाग आहे। आजकाल परिवार शब्दाला जास्त महत्त्व आहे। आपण आमच्या परिवाराचे एक भाग आहात आणि जी कैफियत आम्ही घेऊन आलेलो आहे त्याला आपण चांगलं कव्हरेज द्याल अशी अपेक्षा। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचा मी प्राध्यापक ॲडव्होकेट रमेश पिसे राष्ट्रीय महासचिव आहेत। माझ्या डाव्या साईडला राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचे अध्यक्ष आदरणीय गोपाल हर्षीकर भारतीजी बसले आहेत। आमचे संजय बोरकरजी रिपब्लिकन पार्टीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आहेत आणि तेही राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचा एक भाग आहेत। आमचे अनिल नागभोजजी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचे उपाध्यक्ष आहेत। माझ्या उजव्या बाजूला ॲडव्होकेट डॉक्टर धर्मेंद्र मंडलिक जे आहेत, जे स्वतः राष्ट्रीय विकास काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष आहेत, संस्थापक अध्यक्ष आहेत, तेही राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचा एक भाग आहे। पुरुषोत्तम कांबळीजी हेही राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचे पदाधिकारी आहेत, कोषाध्यक्ष आहेत। आमचे अशोक चांभारेजी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाचे पदाधिकारी आहेत। मी पण राष्ट्रीय समाज पक्षाचा विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष आहोत, कांबळी साहेब कोषाध्यक्ष आहेत। म्हणजे ही जी पत्रकार परिषद आहेत, भीमराव चव्हाण जी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यानंतर अनिलजी लालन मिलिंद चव्हाणजी, दिलीप वानखेडेजी, मदन नागपुरेजी, आमचे तारेश दुरुपकरजी, उत्तम चव्हाणजी, आमचे संजय रामटेकेजी, ही सर्व मंडळी आमच्या राष्ट्रीय संयुक्त हातवार दादा आहेत। आमचे सगळे हे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचे कर्मठ पदाधिकारी आहेत। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा विदर्भातील संपूर्ण जागा 2024 लढवणार या सदराखाली आज आम्ही आपल्या समोर आलेलो आहे आणि जी काही डिटेल भूमिका आहे ती भारती साहेब मांडतीलच। अब की बार राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की सरकार हा आमचा नारा आहे। ईव्हीएम हटाव देश बचाव, ईव्हीएम हटाव संविधान बचाव, ईव्हीएम हटाव लोकशाही बचाव, हाही आमचा नारा आहे। आणि जे काही महत्त्वाचे प्रमुख मुद्दे आहेत, परंतु त्याआधी मी सांगतोय की राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा हा पब्लिक फोरम आहे, एक सामाजिक संघटन आहे। परंतु जरी सामाजिक संघटन असलं तरी राजकीय भूमिका आम्हाला मान्य आहेत, सोशिओ पॉलिटिकल या ग्राउंडवर आम्ही काम करतोय। कारण मी स्वतः एका राजकीय पक्षाचा विदर्भाचा अध्यक्ष आहे, मंडलिक साहेब आहेत, बोरकरजी आहेत, आमची अन्य मंडळी आहेत, ही सगळी छोटे मोठे पक्ष जे समविचारी आहेत, अर्थात समविचारी कोण तर जे खऱ्या अर्थाने संविधानाला मांडतात। कारण आता एक दोन भागामध्ये या देशाचं विभाजन झालेलं आहे, एक आहे संविधानाला मानणारे आणि एक संविधानाला न मानणारे। जे संविधानाला मानणारे आहेत त्यांच्यासोबत आम्ही शेकहँड करतोय, हात मिळवणी करतोय, विचारांच्या मुद्द्यावर, तत्वांच्या मुद्द्यावर आणि जे काही मेन इश्यूज आहेत ते इश्यूज घेऊन आम्ही पुढे आलेलो आहेत। कुठकुठले इश्यू आहेत? वेगळा विदर्भ झाला पाहिजे हा महत्त्वाचा भाग आहे, सर्व प्रवर्गाची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे आणि सर्व प्रवर्गाला संख्येच्या अनुपातामध्ये प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, तो सवर्ण असेल किंवा वंचित असेल। त्यानंतर ईव्हीएम हे हटलंच पाहिजे कारण ती पब्लिक डिमांड आहे। आणि शेवटी या केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला लोकांनी निवडून दिलेलं आहे, ते जनतेने निवडून दिलेलं सरकार आहे, हे मोदी सरकार किंवा शिंदे सरकार नाही आहे, तर हे महाराष्ट्राचं किंवा भारताचं सरकार आहे। आणि मग भारतीय नागरिकांनी मताधिकार वापर करून जर निवडून दिलं तर आपण सगळ्यांचे बांधील आहात कुठल्या एका विचारधारेला आणि एका पक्षाची किंवा एका कुठल्याही तत्वाची आपण फॉर असणं आणि दुसऱ्यांचा विरोध करणं असं होऊ शकत नाही। म्हणून ईव्हीएम हटलं पाहिजे आणि बॅलेट पेपरनी निवडणुका झाल्या पाहिजेत। आरक्षण
हे सर्व प्रवर्गाला मिळालं पाहिजे, मग ते पॉलिटिकल असेल, इकॉनॉमिकल असेल, एज्युकेशन असेल किंवा प्रमोशनमधलं असेल। ज्यांना कॉन्स्टिट्यूशनल रिझर्वेशन आहे तेही अबाधित असलं पाहिजे, ज्यांना पॉलिसी रिझर्वेशन आहे तेही मिळालं पाहिजे, किंबहुना पॉलिटिकल रिझर्वेशन हे SC ST प्रमाणे OBC लाही मिळालं पाहिजे ही आमची मागणी आहे। प्रायव्हेटायझेशन काही प्रमाणात जर काळाची गरज असेल तर त्या प्रायव्हेटायझेशनमध्ये पण आरक्षण असलं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे। महिला सबलीकरण, महिला सशक्तीकरण, 50% महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जर आपण आरक्षण देता तर ते विधानसभेमध्ये लोकसभेमध्ये दिल्या गेलं पाहिजे, कारण त्यांची संख्या 50% आहे। आणि जे परंपरागत घराणे आहेत आणि जे परंपरागत चेहरे आहेत या चेहऱ्यांना लोक कंटाळले, पक्ष कुठलाही असो, आणि म्हणून सत्ता परिवर्तन याच्यामध्ये आम्हाला इंटरेस्ट नाही आहे। आमचा नारा आहे सत्ता परिवर्तनाच्या माध्यमातून व्यवस्था परिवर्तन। आणि म्हणून राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा हा BJP आणि अलायन्स, काँग्रेस आणि अलायन्स याच्यामध्ये स्पेस शोधतो आहे की जे संविधानाला मानतच नाहीत किंवा मानल्याचं नाटक करतात त्यांना थोडंसं बाजूला ठेवून कमीत कमी एक चांगला सक्षम विरोधी पक्ष भारतामध्ये बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या संकल्पनेनुसार निर्माण झाला पाहिजे आणि त्यांनी आपली भूमिका बजावली पाहिजे। या अनुषंगाने जो कोणी आमचे अजेंडे राबवेल त्यांना आम्ही मदत करणार, त्यांची आम्ही मदत घेणार। सोबतच त्यांनी फुले शाहू आंबेडकर, शिवराय आणि संविधानाला मानणाऱ्या आमच्या राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी डायलॉग्स करून त्यांनाही आपल्यामध्ये समाविष्ट करून घ्यावं, जेणेकरून एक चांगलं सरकार केंद्रामध्ये निर्माण होईल जे संविधानाला मानणारं असेल, कुठल्या केवळ एका पक्षाचं आणि विचारधारेचं न राहता ते संविधानाला बांधील असलं पाहिजे। ही भूमिका आम्ही घेतलेली आहे आणि पुढची जी काही सगळी डिटेल माहिती आहे ते अधिकारवाढीनी आमच्या राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल ऋषिकर भारतीजी जे माननीयवर कांशीराम साहेबांसोबत खांद्याला खांदा लावून त्यांनी पूर्ण भारत फिरला आणि एक होऊ शकत आहे ही लहर यशस्वी करून दाखवली, त्या पंक्तीमधला एक पिकलेलं पान म्हणण्यापेक्षा एक आशेचं पान आहे, ते आपण त्यांची कैफियत ऐकून घ्यावीत आणि जे काही ते संबोधित करतील ते आपण आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून जनमाणसापर्यंत पोहोचावं। आदरणीय गोपाल ऋषिकर भारतीजी। नागपुर शहर के सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे युवा साथियों को मैं सादर जय विदर्भ के साथ में अभिवादन करता हूं। मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक। आज हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव, इन्होंने अपने तमाम मुद्दों पर जो है ब्रीफ रूप से आपके सामने अपनी बातें रखी हैं। मैं पूरा जो इसका एक ब्रीफिंग है पूरे देश भर में और विदर्भ में हमारी क्या रणनीति है 2024 मिशन 2024 के तहत, तो आज आप लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हैं हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हम विभिन्न पार्टियों के भी यहाँ पे शामिल हैं। हम भारत के अंदर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से जो भारत के चुनाव आयोग में जो है कम से कम 2500 से 3000 पार्टियां जो है रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, उनमें से हम 100 पार्टियों को जोड़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो 15 लाख सामाजिक और आर्थिक संगठन है उसमें से हम लोग जो है 10,000 संगठनों को जोड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा जो संगठन है ये कल्चरल, सोशल और लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन के लिए हमने निर्माण किया है। क्योंकि आप सबको वोट का अधिकार मिला है, पत्रकार हैं चाहे आम पब्लिक है, चाहे नेता है चाहे पॉलिटिशियन है, लेकिन हम सबका अधिकार है कि इस देश के अंदर एक संविधानवादी जो है एक सभ्य सरकार का निर्माण करना, ये सबका एक नैतिक कर्तव्य है और उसी के आधार पर हम चुनाव करते हैं और चुनाव के साथ में जो है एक अच्छी सरकार हम चुन के लाते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो है पिछले अंग्रेजों से आज़ादी के बाद से ही जो है चुनाव प्रणाली को जो है जिस तरीके से एक दबंग लोगों ने अमीर आदमियों के नोटों से गरीबों का वोट खरीदने का जो मुकाम बनाया है उसके चलते इस देश के अंदर कभी भी संविधानवादी जो है सही सरकार का गठन नहीं हो पाया। यही कारण है कि भारत देश के अंदर पिछले 4000 साल से लगातार विदेशियों के हम गुलाम बनते रहे, लेकिन उसके बाद में जो आज़ादी का संकल्पना हमारे महापुरुषों ने देखा
शहीदों ने अपनी बलिदान दिया, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे सबसे बड़ी जो उसकी जो क्रेडिट जो मिली महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने आजादी का जो है एक शहादत दी है, और उसके बाद में हमारे देश का संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथ 300 से ज्यादा जो है हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है जो संविधान सभा के जो है उनके द्वारा बनाया गया। साथ ही हमारा जो लक्ष्य था इस देश की जो सरकार का, संविधान को सबको मानना पड़ेगा। जो आज कह देगा कि मैं संविधान को नहीं मानता उसको सीधी जेल की हवा खाना पड़ेगा और राष्ट्रद्रोही होगा। ये बात को आपको हमको सबको समझ लेना पड़ेगा कि मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं इससे काम नहीं चलेगा। आज का जो शासन है वो पूरी तरह से भारत के संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसे लोग सत्ता पे पहुंच गए हैं जो इस देश के अंदर महिलाओं का शोषण करना, छुआछूत मानना और किसी जात को ऊंचा और बाकी सबको नीचा समझने वाली जो ताकतें हैं इस देश की सत्ता पे, मुट्ठी भर जो लोग हैं, आधे परसेंट भी लोग नहीं है ये, इस देश की जो है फिर से इस देश को जो है उस युग में ले जाना चाहते हैं जो मतलब जो है अंधकार का युग है। तो साथियों आज हम आपके साथ में, आप केवल पत्रकार के रूप में हम नहीं देख रहे हैं, आप एक जो है इस देश के जो है एक निर्माण के लिए आप एक भावी जो है हमारे जो है कर्णधार के रूप में हम मानते हैं। इसलिए हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि केवल अमीरों की नोटों से हम न बिके। हमारा जो है गीता में भी कृष्ण ने कहा, अर्जुन अगर तुम्हारे इज्जत को लूटने वाले के दल में तुम्हारा बाप भी बैठा है तो उसको जो है उसका खिलाफत करना पड़ेगा। इसलिए हम आपके साथ कहते हैं कि अगर हमारा जो है धन लूट गया कोई बात नहीं, गरीबी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारी बहू बेटियों को नेकेड करके भी घुमाया जा रहा है, हर मिनट के अंदर जो है महिलाओं के साथ एट्रोसिटी बलात्कार से लेकर तमाम चीजें हो रही है। ये देश की जो है आज गुरु देश बनाने की बात जो करने वाले लोग हैं, ये देश जो है सबसे ज्यादा हत्याओं में मतलब जो है सबसे ज्यादा मतलब दुनिया के सबसे बड़े देशों में माना जाता है, मर्डर करने वालों में, बलात्कारियों में, इस देश में बीमारियों में सबसे ज्यादा है। तो इसकी आप गिनती करोगे, आप पत्रकार है, निकाल लीजिए आप वहां पे जो है गूगल से कि आप भारत की जो है किस किस कारण जो हमारे देश की जो है आज नाम आ रहा है। तो साथियों इस बात को आप सब जान रहे हैं, हमारा केवल ये कहना है कि हम यहाँ पर जो है पृथक विदर्भ की बात 118 साल से बताया गया मुझे, लेकिन मैं भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का अंतिम जेल यात्री रहा हूँ। हम जेल में गए और हमने केवल एक बात कही अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि अगर आपने मतलब जो है अगर छत्तीसगढ़ नहीं बनाया तो आपकी पूरी पार्टी का देश भर में बहिष्कार होगा। जो छत्तीसगढ़ की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी पिछले बार से हम लगातार इस आंदोलन में हमारे साथियों के साथ में हम इन्वॉल्व हैं। हमने कहा जो भी विदर्भ वाले साथी हैं केवल बिकने की आदत दिमाग से अगर डाल देते हैं, निकाल देते हैं, तो हम 2 महीने के अंदर यहाँ पर जो है पृथक विदर्भ बना के दे सकते हैं। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ, आके भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी को यहाँ पे विदर्भ बना के देना पड़ेगा। लेकिन हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग बिक जाते हैं और यही कारण विदर्भ नहीं बना। लेकिन अब जो मुद्दा हमने अपने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के द्वारा उठा लिया है साथियों, और अब हम कहना चाहते हैं इसके लिए हम लड़ेंगे, और जो विदर्भ की बात करेगा वो अब आने वाले समय पे दिल्ली पे राज करेगा। इसलिए हमने तय कर दिया कि पूरे विदर्भ की हम सीटें जो है यहाँ पे विभिन्न पार्टियों के साथ मिलके हम लोग खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि आज जो है किसी का गर्दन काट के आप जो है आप प्रधानमंत्री और राजा नहीं बना सकते। इसलिए आज का जो है आप हमको सबको वोट का अधिकार जो मिला है वो सम्राट बना दिया है, हमको अपना जो है मालिक बना दिया है इस देश के संविधान ने। इसलिए आप जो है मालिक हैं और इसलिए आप अपनी सरकार चुनते हैं। जैसे राजा अपने प्रधानमंत्री चुनता था वैसे हम अपने प्रधानमंत्री चुनते हैं। वो हमारा मालिक नहीं है, वो हमारा सर्वेंट है, वो हमारी जो जनता का सर्वेंट है। इसलिए आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने दिल के कोने से जो है हर पत्रकार को चाहिए कि ये जो मांगे हमने मुद्दे जो उठाए हैं इसके लिए हमको अपनी अपनी कलम चलाना पड़ेगा। अगर आपने कलम को अगर रक्षा नहीं किया तो ये वतन बेच देंगे, चमन बेच देंगे और इस देश का जो इज्जत और आबरू सब बेच रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और आज जो निजीकरण की जो बात हमने उठाए हैं, अगर आप देखें कि एक व्यक्ति को इतना न बढ़ा दिया जाए कि जाकर जो है वहां से विदेश की एक महिला को नाचने के लिए बुलाया जा रहा है, उसको 75 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और 100 करोड़ लोग यहाँ पे 100 रुपया रोज नहीं पा रहे हैं, और इस देश के अंदर जो इतनी बड़ी जो आज आर्थिक विसंगति है, 1-1 लाख करोड़ रुपया, 10-10 लाख करोड़ का जो है घोटाला करके लोग बाहर भाग रहे हैं, बाहर देश का देश खरीद रहे हैं साथियों, ये कौन देखेगा? ये हमको देखना पड़ेगा। उनका सबसे बड़ा एजेंडा है कि आप भगवान के नाम से, धर्म के नाम से लोगों को अफीम खिला दो और उसके बाद में चुपचाप ये तमाशा देखते रहेंगे, तो ये नहीं चलने देंगे। आपके पास भी समय नहीं है और हम भी मतलब चाहते हैं आपके समय का सदुपयोग होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि इस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग जो उपस्थित हुए हैं हमारे साथियों के साथ में, और थोड़े थोड़े समय में भी अगर हमने कोशिश किया तो आपकी कलम भी चलेगी, आपको पैसा भी, जो आपकी जो पेमेंट है, जो श्रद्धा से जो लोग भी आपको दे देते हैं, कम से कम इन मुद्दों को आप लोग जो है अपनी प्राथमिकता देके इस बात को उठाना चाहिए।
और हम भी आप लोगों के साथ में हैं, क्योंकि हमने तय किया कि जो देगा न्यूनतम 30,000 का रोजगार उसकी बनाएंगे सरकार। अगर हमारी सरकार आ गई तो प्रत्येक आपका जो श्रमजीवी पत्रकार है उसको जो है शुरुआत से हम 30,000 की पेमेंट देंगे, और अगर योग्यता आ गई तो उसको 3,00,000 तक की भी तनख्वाह हम देंगे। तो ये जो है सरकार को रोजगार देना होगा। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या है? हमारा सनातन धर्म ही जो है कर्म के आधार पर रहा है। जो कर्म है वही हमारा धर्म है। इसलिए साथियों आप लोग समझना होगा, अगर मैं हिंदू हूं तो हिंदू का मतलब है सनातन का, और सनातन का मतलब है कर्म ही धर्म है। तो जो देगा रोजगार उसकी चलेगी सरकार, और जो नहीं देगा रोजगार उसकी नहीं चलने देंगे सरकार। तो इस आधार पे आपको भी हम गारंटी कहते हैं। और सरकार कौन बनाता है? आपकी कलम और हमारी मेहनत अगर लग गई तो मेरा ख्याल है कि अभी विदर्भ के अंदर हम आने वाले समय पे पूरी सरकार बना के देंगे, और वो सरकार जो ऐसी होगी जो बुद्धिजीवियों की सरकार होगी, प्रबुद्ध लोगों की सरकार होगी। इसलिए मैं सोचना कि पैसा होगा तभी हम चुनाव जीतेंगे। हमने बहन मायावती जब चुनाव लड़ाया तो ऐसा पैसा नहीं था। लोग बोलते थे यार पैसा न कौड़ी राजनीति में दौड़ी, और हमने सरकार हो एक एक बार नहीं चार चार बार हमने सीएम बनाया साथियों, और हमने वो प्रशासन दिया था। मैं बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं, और मैं आज जो हूं कुछ कारणों के कारण जो है हम अभी संयुक्त मोर्चा में अब एक पार्टी की सरकार नहीं चल सकती। इसलिए हमने जो है 100 पार्टियों में अगर 5-5, 10-10 भी हमारे रिपब्लिकन पार्टी, फलाना पार्टी, बहुत सी पार्टी हमारे पास में है। हम तो कहते हैं भैया जितनी पार्टी बनाओ सब लाओ, एक एक सांसद भी जीतोगे तो 543 सीटें हम जीत सकते हैं। और हमने कहा अभी मोदी ने क्या नारा दिया कि अब की बार 400 पार, हम कहते हैं अब की बार पूरी 543 सीटें हम जीतने वाले हैं। लेकिन 543 सीटें में हम विपक्ष को भी 200 सीटें देंगे। बिना विपक्ष के जो है सरकार नहीं बनाना चाहिए, ये आप हमको बताना चाहिए कि एक आदमी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है 400 पार 300 पार। अरे तुम ईवीएम का हटा के देखो, फिर आप बताइए कि फिर किस तरह से आपकी सरकार चलती है। 20 सीटें नहीं जीत सकते। मैं चैलेंज करता हूं, आज भी भारतीय जनता पार्टी को मैं 2 करोड़ की पार्टी बोलता हूं। अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर कांग्रेस का वोट नहीं काटी होती तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई होती। आप कभी भी एनालिसिस करके देख लीजिए। तो हम आज जो है इनकी ताकत को जानते हैं साथियों। पत्रकार बंधुओं, हम आप लोगों से आशा करते हैं कि इस बात को आपको बताना पड़ेगा। आज ईवीएम की जो धोखाधड़ी हो रही देश के अंदर, और चंडीगढ़ में जो घटना हुई आज वहां पे, जो 25% वोट जो है छोटे से चुनाव में लूटा गया, तो आप सोचिए भारत के चुनाव में कितने करोड़ों की मतलब जो है आज मतलब जो है धोखाधड़ी हो रही है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी न किसी पत्रकार की मानती है, न किसी व्यापारी की मानती है। वो अपने दम पे जो लोगों को डरा के जो है सोचती कि हम शासन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वो भी है कि हमने भी तय कर लिया है कि तुम्हारी गोलियां जो है सीना खड़ा करके जो है हमारे बहादुर लोग उसको खेलेंगे। और पत्रकारों को भी आप अगर डर बताओगे, वो पत्रकारों की भी कलम आपके पास में है, और मुझे विश्वास है कि हम जो यहाँ कह रहे हैं वो बात 100% सफल होके रहेगी। और हमने कह दिया कि 4000 साल की गुलामी को 4 साल के अंदर खत्म करने का प्लान अगर आप लोगों ने हमें साथ दे दिया तो निश्चित रूप में जो है तुम हमें शक्ति दो, हम तुम्हें मुक्ति देंगे।